नमस्कार दोस्तों, मैं अजिंक्य पाटिल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल यंग सनातनी में। दोस्तों, क्या आपको पता है अज्ञातवास के समय तंतीपाल किस पांडव का नाम था? यदि नहीं पता तो यह वीडियो आप अंत तक देखें। तो दोस्तों, महाभारत से जुड़े कई सारे सवाल, उन सवालों के सही जवाब, उन सवालों के पीछे की रोचक कथाएं, रोचक जानकारी हम हमारे यंग सनातनी YouTube चैनल पर चल रही महाभारत प्रश्नोत्तरी इस मालिका के माध्यम से आप तक पहुंचाते आ रहे हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हम सभी से विनती करते हैं कि हमारा यंग सनातनी YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि महाभारत जैसे धर्म ग्रंथ का प्राथमिक ज्ञान होना हम सभी के लिए बहुत ही आवश्यक एवं अनिवार्य है। बिना किसी देर के हुए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। मात्र उससे पूर्व कल हमने आपको तीन सवाल पूछे थे, उन तीन सवालों के सही जवाब क्या है वह देखते। तो कल का हमारा पहला सवाल था, महाभारत युद्ध के दरमियान द्रोणाचार्य को भुलावे में डालने के लिए भीम ने जिस हाथी का वध किया था उसका नाम क्या है? तो दोस्तों, उस सवाल का सही जवाब था अश्वत्थामा। जी हाँ दोस्तों, द्रोणाचार्य जो है उनके पुत्र का नाम भी अश्वत्थामा था, लेकिन महाभारत के युद्ध के दरमियान एक हाथी भी था जिसका नाम अश्वत्थामा था। जब द्रोणाचार्य बहुत ही जोरों शोरों से पांडवों के सैन्य का संहार करना शुरू कर देते हैं, उसके बाद पांडव बड़े चिंताक्रांत होते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण वहां पे होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि द्रोणाचार्य का सबसे ज्यादा दिल यदि किसमें साथ लगा हुआ है तो वह है अश्वत्थामा। बहुत ही ज्यादा प्यार था अश्वत्थामा के प्रति गुरु द्रोणाचार्य का। यदि द्रोणाचार्य के कान के ऊपर यह वार्ता जाए कि अश्वत्थामा का वध हो गया है, हालांकि अश्वत्थामा सप्तचिरंजीवों में से एक था, वह अजरामर था, मात्र फिर भी यह वार्ता यदि द्रोणाचार्य के कान पर गई तो पुत्र प्रेम में, पुत्र मोह में वह अपना सब शस्त्रास्त्र का त्याग कर देंगे। यह बात जब पांडवों को पता चलती है तब सब पांडव युधिष्ठिर के पास जाकर कहते हैं कि वह कुछ भी हो, यदि उनके कान के ऊपर यह वार्ता गई भी कि अश्वत्थामा का वध हो गया तो वह सच है कि नहीं, यह जानने के लिए आपके पास आएंगे, क्योंकि युधिष्ठिर एकमात्र ऐसा योद्धा था जो हमेशा सत्य की ओर साथ देता था। तो इसीलिए वहां पे भी युधिष्ठिर को झूठ बोलने के लिए लगाते भगवान श्री कृष्ण, और भीम जो है वहां पे जाके उस हाथी का वध कर देता है जिसका नाम अश्वत्थामा रहता है। उसके बाद यह वार्ता द्रोणाचार्य के पास जाके पहुंचती है, भीम जाके कहता है कि मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया, मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया। तो अपने पुत्र का वध हो गया ऐसी भ्रांत जो है द्रोणाचार्य को होती है, और उसके बाद द्रोणाचार्य युधिष्ठिर के पास जाके पूछते हैं कि क्या सच में मेरे पुत्र का वध हो गया है, अश्वत्थामा का वध हो गया है? तो युधिष्ठिर जो है वो कहते हैं कि हाँ, मात्र धीरे आवाज में कहते हैं कि मुझे ये पता नहीं मनुष्य या हाथी। दोस्तों, उसके बाद द्रोणाचार्य जो है वहां पे ध्यान के लिए बैठ जाते हैं, उनको वो कहते हैं कि अब मेरा भी जी के क्या फायदा है, और वैसे ही शस्त्रों का त्याग कर देते हैं, वहां पे शस्त्रों का त्याग कर देते हैं और वहां पे ध्यान के लिए बैठते हैं। उसके उसी समय जो द्रौपदी है उसका भाई धृष्टद्युम्न, द्रुपद के यहाँ पे द्रोणाचार्य का वध करने के लिए उसको जन्म दिया था द्रुपद राजा ने, वह वहां पे आके निशस्त्र और ध्यान में बैठे हुए द्रोणाचार्य का वहां पे सुरक्षित करता है। तो वहां पे द्रोणाचार्य जी का वध करने के लिए, द्रोणाचार्य को रुकाने के लिए वहां पे अश्वत्थामा नामक हाथी का भीम ने वध कर दिया था। तो दोस्तों, कल का हमारा दूसरा सवाल था, जन्मेजय ने जो जग प्रसिद्ध विख्यात यज्ञ करवाया था उसका नाम क्या था? दोस्तों, उस सवाल का सही जवाब था सर्प यज्ञ। आपको पता ही है, हमने पिछले वाले वीडियो में बताया किस प्रकार राजा परीक्षित को शमिक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डालने के बाद उनके पुत्र के ओर से सांप के दंश का श्राप मिलता है। श्राप देने के 7 दिन बाद तक्षक नाग परीक्षित राजा को काटता है और उससे परीक्षित राजा की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अर्जुन का पौत्र यानी परीक्षित का पुत्र जो है जन्मेजय वहां पे एक महाभयंकर यज्ञ करता है जिस यज्ञ का सर्प यज्ञ नाम है। इसका हेतु यह था कि वो मंत्र सामर्थ्य से में इस पूरी दुनिया में जितने सारे सर्प है उन सारे सर्प को मारने के लिए वो यज्ञ करता है। दोस्तों, यह था हमारा कल का दूसरा सवाल और उसका सही जवाब था सर्प यज्ञ। कल का हमारा तीसरा सवाल था, भगवान श्री कृष्ण के सारथी का नाम क्या है? तो दोस्तों, उस सवाल का सही जवाब था दारुक। तो यह थे कल के तीन सवाल, और इन तीन सवालों के सही जवाब देने वाले कल के विजयी सदस्य जिन्होंने वीडियो अपलोड करने के बाद 1 घंटे के अंदर हमने पूछे सवालों के सही जवाब दिए, उनके नाम आप यहाँ पे देख रहे हो। दोस्तों, यदि आपको भी लगता है कि इस विजयी सदस्यों की जगह पर आपके नाम हो तो दोस्तों हम सभी से विनती करते हैं कि वीडियो अपलोड करने के बाद 1 घंटे के अंदर, यानी कि हम 7 बजे वीडियो अपलोड करते हैं, 7 से 8 बजे तक यदि आपने हमने पूछे इन तीन सवालों के सही जवाब आपने हमारे कमेंट बॉक्स में दिए तो आपका नाम भी हम यहाँ पे विजयी सदस्य की जगह पर ले सकते हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले वाले वीडियो देखी नहीं है जिसमें हमने महाभारत से जुड़े कई सारे रोचक तथ्य, महाभारत से जुड़े कई सारे सवाल, उन सवालों के सही जवाब दिए हैं, तो हमारी पिछले वाले वीडियो की जो प्लेलिस्ट है महाभारत प्रश्नोत्तरी इस मालिका की जो प्लेलिस्ट है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप वहां पे जाकर हमारे पिछले वाले वीडियो अवश्य देख सकते हैं। दोस्तों, और आज से हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे YouTube चैनल पर Q&A रखने वाले, यानी कि सवाल आपके होंगे और जवाब हमारे, हर संडे को, हर रविवार को आपकी यह वीडियो आएगी। यदि आपको कुछ महाभारत से जुड़े कुछ भी सवाल है तो हमें अवश्य पूछिए। तो दोस्तों, बिना किसी देर के हुए हम आज के तीन सवाल क्या है वह देख लेते। तो आज का हमारा पहला सवाल है,
महाभारत युद्ध के दरमियान जब कर्ण सेनापति बनता है तब कर्ण के सेनापतित्व में कर्ण युद्ध के पहले दिन कौन से युद्ध की रचना करता है? जब कर्ण को सेनापति बनाया जाता है उसके बाद वह युद्ध में आता है, रणक्षेत्र में आता है, वह अपने सेनापतित्व में पहले दिन कौन से युद्ध की रचना करता है जिसके लिए आपको पर्याय दिए जाते हैं? आपका पहला पर्याय है मकर व्यूह, दूसरा पर्याय है शकट व्यूह, तीसरा पर्याय है क्रौंच व्यूह, चौथा पर्याय है सर्वोतो भद्र व्यूह। दोस्तों इन चार व्यूहों में से कर्ण अपने सेनापतित्व में प्रथम दिन कौन से व्यूह की रचना करता है, क्या आपको पता है? यदि पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, यदि नहीं पता तो हमारी अगली वाली वीडियो देखिए। तो दोस्तों बिना किसी देर के हुए आज का दूसरा सवाल क्या है वह देख लेते हैं। दोस्तों आज का आपका दूसरा सवाल है, धूर्तराष्ट्र के उस सेवक का नाम क्या है जो युधिष्ठिर को एवं पांडवों को द्यूत खेलने के लिए पुनः बुलाने के लिए जाता है? उसके लिए आपको पर्याय दिए जाते हैं। आपका पहला पर्याय है प्रतिगामी, दूसरा पर्याय है संजय, तीसरा पर्याय है आदित्य, चौथा एवं आखिरी पर्याय है पुरोचन। तो दोस्तों आपको इसका नाम बताना है कि पांडव दूत में हार जाते हैं उसके बाद आखिरी डाव खेलने के लिए, यानी कि 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास यह उस आखिरी डाव था, उसको खेलने के लिए पांडव को पुनः बुलाया जाता है उस तोरण स्फटिक सभा में। तो दोस्तों उस सेवक का नाम आपको बताना है, क्या आपको पता है? यदि पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, यदि नहीं पता तो गूगल कीजिए, किसी को पूछिए, अपने महाभारत जैसे धर्म ग्रंथों को पूरा छानिए और कुछ भी करके हमें जो सवाल है इन सवाल का जवाब बताइए। दोस्तों आज का आपका तीसरा सवाल हम आपको पूछने वाले हैं। तो दोस्तों आज का आपका सवाल है कि अज्ञातवास के समय जब पांडव ने अपनी पहचान छुपाने के लिए अपने नाम भी बदल दिए थे तो तंतीपाल किस पांडव का नाम था? इसके लिए आपको पर्याय दिए जाते हैं युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव एवं भीम। दोस्तों इन चारों में से कौन से पांडव का नाम तंतीपाल था? यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, यदि नहीं पता तो हमारी अगली वाली वीडियो देखिए। दोस्तों यदि आपको और भी कुछ महाभारत से जुड़े या श्री कृष्ण भगवान से जुड़े कुछ सवाल है तो हमारे YouTube चैनल पर हर रविवार हम Q&A लेने वाले हैं, इसमें सवाल आपके रहेंगे और जवाब हमारे। यदि आपको कुछ भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, हम रविवार को उस सवाल का जवाब देने का प्रयास करेंगे। दोस्तों तो आज के लिए इतना ही, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।